सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 9 से लेकर के 9,500 के अंदर मिलने वाले टॉप 5 फोन्स के बारे में। दोस्तों हम सभी जानते हैं यार कि इस प्राइस पर काफ़ी कम फ़ोन ऐसे हैं जहाँ पर आपको ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स को सिलेक्ट किया है जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर पंच होल कटआउट डिज़ाइन के साथ में 90 हर्ट्ज तक की हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। और इसी के अलावा यहाँ पर आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरा देखने को मिलने वाला है। जहाँ तक बात है स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिरर 1 किलो G85 जैसा पावरफुल गेमिंग चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप इजीली मल्टीटास्किंग और साथ ही साथ डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप यहाँ पर 9 से 9,500 के अंदर कोई अच्छा और परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर से देख लीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उन यूज़र्स की जिन्हें यहाँ पर इस प्राइस के हिसाब से एक डिसेंट स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन दोस्तों जिन्हें यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी चाहिए, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं वो C31। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से दोस्तों। तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट के स्प्लैश प्रोटेक्शन वाला फीचर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपका स्मार्टफोन हल्के फुल्के पानी में यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD+ की IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन भी अच्छा देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। तो कंटेंट वगैरह वॉच करने के साथ साथ गेमिंग के लिए भी आपको यहाँ पर बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी। डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। कैमरास की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बैक में 13+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और ओवरऑल आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक बात है पावर हाउस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एक डिसेंट बैटरी मॉड्यूल भी देखने को मिलेगा। 5000 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप काफ़ी आसानी से मिलने वाला है, जिसको चार्ज करने के लिए 10W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और चार्जिंग के लिए micro USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिल जाता है। बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर मिरर 1 किलो G35 का 12nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। साथ ही आप यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी काफ़ी आसानी से कर पाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको 3.5mm वाला खड्डा देखने को मिल जाएगा। साथ ही ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस्ड MIUI 12 पर देखने को मिलेगा। तो थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर डे टू डे यूसेज के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 3GB RAM 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8,499 रुपये की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन को देख सकते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले फोन की दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर एक कंटेंट कंज्यूमर है, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इस फोन को देख सकते हैं। ये जो फोन है गाइस, आपको इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिल जाएगा, इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। शुरू करते हैं परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर भी आपको मिरर 1 किलो G35 का ही चिपसेट देखने को मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर डे टू डे यूजेस और साथ ही साथ नॉर्मल गेमिंग वगैरह काफ़ी आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा कैमरास की बात करें, तो यहाँ पर आपको बैक में 13 और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। साथ ही आपको यहाँ पर बैक कैमरा से आउटपुट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मुखड़े की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.8 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, तो कंटेंट वॉच करने के लिए बढ़िया और बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पर NEG Dynorex का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है, और इसके अलावा 440 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। तो आउटडोर में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
और गेमिंग की बात करें तो नॉर्मल 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में ये डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखेंगे तो इस प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर काफी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh का बैटरा देखने को मिलेगा, जिसका मतलब आपको यहाँ पर 1.5 से 2 दिन का बैकअप काफी आराम से मिलने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये स्मार्टफोन 3 से 4 घंटे लेगा चार्ज होने में। साथ ही आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो बैटरी मॉडल है वो भी आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिल जाएगा, तो बैटरी मॉडल से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सभी के अलावा दोस्तों प्लास्टिक बिल्ड पर बना स्मार्टफोन है, लेकिन ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है। साथ ही आपको यहाँ पर डिजाइन वाइज काफी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm वाला जैक और ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात करें स्मार्टफोन की डाउन साइड की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस्ड XOS 7 की स्किन देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होगा वो आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर नॉर्मल परफॉर्मेंस के साथ साथ बढ़िया डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और साथ ही बैक कैमरा अच्छा चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन को देख सकते हैं। ये फोन आपको यहाँ पर 2 वेरिएंट में मिल जाएगा, जहाँ पर इसका 3 और 32 आपको मिल जाएगा 8,299 रुपये की प्राइस पर, वहीं पर इसका 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 9,299 रुपये की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पर इस फोन को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर कुछ तगड़े गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। और दोस्तों गेमिंग की बात की जाए तो यहाँ पर पहला स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रोमैक्स की तरफ से IN2B। अच्छी बात दोस्तों कि एक नॉन चाइनीज फोन है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, तो कोई ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर यूनिसॉक का आने वाला यूनिसॉक T610 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग दोस्तों आपको यहाँ पर मीडियाटेक हीलो G70 या फिर आप मीडियाटेक हीलो G80 से भी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों के लगभग में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, का मतलब कि आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस साथ ही साथ गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलने वाली है, तो दोनों से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में 13+2 मेगापिक्सल के 2 कैमरा देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और जहाँ तक बात है आउटपुट की दोस्तों, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात है स्मार्टफोन के मुखड़े की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको HD+ का रिजोल्यूशन और IPS पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर 400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो आउटडोर में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी। तो सबके पास देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले अच्छी देखने को मिलने वाली है, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबकी बात हो चुकी दोस्तों, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर पेट की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, तो 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको यहाँ पर आराम से मिलने वाला है। साथ ही जिसे चार्ज करने के लिए 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और चार्जिंग के लिए यहाँ पर USB Type-C वाली पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो सबके पास देखेंगे तो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी मॉड्यूल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा प्लास्टिक बिल्ड पर बना स्मार्टफोन है, साथ ही आपको यहाँ पर ओवरऑल डिजाइन भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm जैक, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, तो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक नॉन चाइनीज फोन लेना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन को देख सकते हैं। 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 8,999 रुपये की प्राइस पर, वहीं पर इसका 6 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 10,000 रुपये की प्राइस पर। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन का 6GB वाला वेरिएंट परचेस करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बैंक ऑफर्स लगा करके ही परचेस कीजिएगा। ये फोन आपको लगभग 9,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों 10,000 रुपये की प्राइस पर ऑलरेडी काफी अच्छे फोन्स हैं, तो 10,000 रुपये की प्राइस पर स्मार्टफोन को परचेस करना कोई सेंस की बात नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी और अच्छी अपग्रेड लेवल की परफॉर्मेंस चाहते हैं, साथ ही गेमिंग के लिए बढ़िया डिस्प्ले चाहते हैं और ओवरऑल कैमरा अच्छा चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाला Moto E40। शुरू कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा से, तो यहाँ पर आपको 48+2+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा देखने को मिल जाएंगे इस फोन के बैक में। साथ ही 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं मोटोरोला की जो ट्यूनिंग होती है वो काफी अच्छी होती है, तो आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट अच्छा देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मोटोरोला की तरफ से हमेशा की तरह इस बार भी ये कंफर्म नहीं किया गया कि हम यहाँ पर डिस्प्ले के लिए कौन सा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। जहाँ तक बात है गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 90Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर 180Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो इस प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर एक बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली, तो डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर यूनिसॉक की तरफ से ही आने वाला यूनिसॉक T700 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 12nm फैब्रिकेशन पर ही बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी मोटी हीटिंग तो देखने को मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर यूनिसॉक T610 से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली, साथ ही आपको यहाँ पर बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल CPU से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा की तरह बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के पेट की, तो यहाँ पर भी आपको 5000mAh की बैटरी ही देखने को मिलने वाली है, जिसको चार्ज करने के लिए 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिसका मतलब आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से मिलने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए USB Type-C की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मोटोरोला का टिपिकल डिजाइन देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन वाला फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब आपका स्मार्टफोन हल्का फुल्का वाटर प्रूफ भी है, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, और ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मोटोरोला की MyUX स्क्रीन के साथ में आता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है गाइस। सो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर एक अच्छा कैमरा, अच्छी परफॉर्मेंस, साथ ही बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 4GB रैम, 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में, यहाँ पर 9499 रुपए की प्राइस पर। तो फाइनली चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड, और बात करते हैं यहाँ पर एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, गेमिंग स्मार्टफोन है तो आपको यहाँ पर कैमरा से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन है यहाँ पर Realme की तरफ से आने वाला Realme Narzo 30A। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 570 नीट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी दिया गया है। तो और दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर ले कैमरा की, तो यहाँ पर भी आपको बैक में 13+2 मेगापिक्सल के डबल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही पावर हाउस की बात करें, तो स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए Type-C की पोर्ट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिला, तो बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Helio G85 का एक 12nm वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह काफी कम देखने को मिलने वाली है, और साथ ही आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। तो डे टू डे यूजेस और साथ ही गेमिंग में आपको यहाँ पर काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली, तो आपको यहाँ पर गेमिंग में कोई शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में देखने को मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस्ड Realme UI पर देखने को मिल जाता है। तो और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। सो गाइस, अगर आप चाहें तो यार एक बार स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन अभी आपको मिल रहा है 3GB रैम, 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 8999 रुपए की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बार स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट, जो कि आप यहाँ पर 9 से 9500 रुपए की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं यार, हम वहां पर आपकी क्वेरीज को रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही साथ उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।